सेट नंबर 39, फर्स्ट क्वेश्चन। पौधे में हरा रंग किसकी मौजूदगी कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। HIV है, HIV क्या है? विषाणु संक्रमण। अगला क्वेश्चन है, पौधे में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेवार होते हैं। पानी के परिवहन के लिए, तो डी इसका राइट हो। अर्नस्ट हिकल ने निम्न में से किस नियम को प्रतिपादित किया था? तो विरासता का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न यंत्रों में से किसकी कार्य प्रणाली में जीरो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो कंप्यूटर है। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? प्रजनन होते हैं दो प्रकार के। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी, जो थाई में होती है। अगला है, स्थितित ऊर्जा का सूत्र क्या है? स्थितित ऊर्जा का है सूत्र MgH। निम्नलिखित में से प्राणियों का कौन सा समूह असमतापी प्राणियों में से संबंधित है? तो मछली, मेंढक और केचुआ इसका राइट आंसर है। कोशिका की शक्ति का भंडार किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगला है, अमोनिया क्लोराइड का सही फॉर्मूला क्या है? इनमें से NH4Cl है। RBC का मतलब क्या है? लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। विभवांतर मापन यंत्र है, विभवांतर मापन यंत्र है किसका? वोल्टमीटर का। अगला है, सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? Na। वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बॉटनी। मनुष्य के शरीर में हड्डी की संख्या 206। धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? धरती पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को कहते हैं, अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को कहते हैं अवतल लेंस। एक मछली सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? गलफड़ी का, गिल का। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। सेट नंबर 40, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाए आइसोटोप। रेड लेड का सूत्र क्या है? रेड लेड का सूत्र क्या है? तो Pb3O4। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? हीलियम की परमाणु संख्या दो होती है। नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया था? नाभिकीय सिद्धांत दिया था रदरफोर्ड ने। अगला है, गोबर गैस बायोगैस के मुख्य घटक है, तो डी इसका राइट है, मीथेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस में CO2 गुजारने पर वह किस रंग में बदलता है? तो राइट आंसर इसका लाल है। समीकरण में एक्स क्या हो क्या है? इस समीकरण में एक्स क्या है जो एक्स दे रखा है? तो 2NaCl है इसका आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो डी इसका है, पैनक्रियाज राइट आंसर है। वायरस क्या होता है? वायरस होता है जैविक जंतु। अगला है, मनुष्य में आमतौर पर पाए जाने वाले कवक होगा, मनुष्य में पाए जाने वाले आमतौर पर कवक होगा रिमवर्म। सेरिबैलम नियंत्रित करता है, सेरिबैलम नियंत्रित करता है शरीर के संतुलन को। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जीव में उपार्जित लक्षणों के वंशगति के सिद्धांत को किसने दिया था? तो राइट आंसर का लेमार्क हो जाएगा। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? हार्वे ने की थी, विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन है, चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है इसका, यदि वी वोल्टेज को आई करंट और आर रेजिस्टेंस को दर्शाता है तो इसके पारस्परिक संबंध का फॉर्मूला कौन सा है? तो इसका डी इसका राइट है, V=IR। अगला है, कितने डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ कानों के लिए कष्टदायक हो सकती है या फिर होगी? ठीक है, 130। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर इसका हो जाए हैवी वाटर, D2O। क्वेश्चन है, डेंटल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंध रखता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, प्रकाश बिखराव। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? तो घनत्व पर निर्भर करता है। जड़त्व का माप क्या है? जड़त्व का माप होता है द्रव्यमान।